अस्सलामुअलैकुम, टीके टीवी की जानिब से मैं हूं आपका मेज़बान मलक अली। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक नई और दिलचस्प स्टोरी के साथ। बर्गर खाने के दौरान खातून के मुंह में इंसानी उंगली आ गई। तसव्वुर करें, आप किसी रेस्टोरेंट से अपने मनपसंद बर्गर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों और बर्गर के साथ एक इंसानी उंगली भी चबा जाए, तो सोचिए आपका क्या रद्द अमल होगा। जानिए इस वीडियो में। मास्को की एक खातून के साथ ये वाक़या पेश आया। उन्होंने अपने मकामी होटल से एक बर्गर ख़रीदा और घर पहुंचकर जैसे ही बर्गर खाना शुरू किया तो उनके मुंह में एक किसी अजीब शय का एहसास हुआ। जब उन्होंने उसे निकाल कर देखा तो वो एक इंसानी उंगली थी। खातून ने इस होलनाक वाक़े की इतला फ़ौरन रेस्टोरेंट के मैनेजर और पुलिस को कर दी और उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में भी इस होलनाक वाक़े के बारे में कहा कि बर्गर खाते हुए उन्होंने एक इंसानी उंगली को चबा दिया। बर्गर से निकलने वाली उंगली की तस्वीर और वीडियो भी शेयर कर दी और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गई। वीडियो में उन्हें बर्गर शॉप के मैनेजर से गुफ्तगू करते हुए दिखाया गया है, जो इन्हें कह रहे हैं कि मैडम, आप हमें बताइए कि आपको क्या चाहिए। यानी कि उन्होंने खातून को रिश्वत देकर मामले को दबाने की कोशिश की, मगर खातून ने उनकी इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। इस वीडियो को 60,000 से ज़्यादा अफराद ने देखा। वीडियो वायरल होने के बाद होटल के मालिक ने अपने वजाहती बयान में कहा कि दरअसल ये उंगली उनके एक मुलाजिम की है, जो कि गोश्त काटते वक्त कट गई थी और इस गोश्त से बनने वाला बर्गर खातून को फरोख्त कर दिया गया। अहम इंसानी उंगली के बर्गर में शामिल होने की गफलत पर उस होटल की मुतलका ब्रांच को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और कंपनी पर जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। फिलहाल वक्त के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।